पाकिस्तान पाकिस्तान हेलो विंके विंके हमने ये किया है कि हमने जो है तकरीबन 100 यूरो का चैलेंज रखा है कि हम 100 यूरो में जो है इस ग्रैंड बाजार में शॉपिंग करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद इस्तांबुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आज जनाब इस्तांबुल की सेकंड एपिसोड यानी सेकंड डे की व्लॉग जो है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और आज मैंने सोचा था कि मैं आपको होटल के बारे में थोड़ा सा बताऊँ कि होटल जो है वो किस तरह का है और हमने जिस जगह को सिलेक्ट किया था अपने लिए वो जगह कैसी है। ये बड़ा मेन एरिया है जो मतलब मेन इस्तांबुल का एरिया है, क्योंकि मुझे बेसिकली यहीं पर ही आना था शॉपिंग के लिए या घूमने फिरने के लिए। हमें मेन सिटी का ही इंतखाब करना था, इस वजह से मैं दूसरी तरफ नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आने के लिए आपको ट्राम्स की ज़रूरत होती है, फिर बसों की होती है। यहाँ इस वक्त जिस वक्त हम जहाँ हमारा होटल है यहाँ पर हम बहुत आराम से वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी मार्केटें मौजूद हैं, मेन बाज़ार मौजूद है, मस्जिद जो है वो सामने मौजूद है, ब्लू मॉस्क, तो ये सब चीज़ें बड़ी ही वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। और इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें टैक्सी या बस या ट्राम की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो अगर आप भी इसी तरह मेन सिटी में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जो है अपने फिंगर टिप्स पे जो है हर चीज़ को ले सकें, मार्केट जा सकें, उसके अलावा जो है आप मस्जिद पैदल जा सकें और हर जो भी यहाँ की मेन देखने वाली जगहें हैं वहाँ पर आप आराम से जा सकें, तो आपको जो है इस तरह का मेन एरिया ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा कोई 5 स्टार या 7 स्टार टाइप का होटल नहीं है, एवरेज होटल है। तो मैं आपको रूम भी दिखाऊंगी, रूम भी निस्बतन और रूम्स के मामले उसमें थोड़ा सा कंजस्टेड है, मगर ये है कि 3 बेड हैं उसमें। और क्योंकि इस तरह के ट्रिप्स में जो कि आपके सिर्फ शॉपिंग या हल्के फुल्का घूमने के लिए ही हो, उसमें उमन इंसान जो है वो रात में जाके सिर्फ सोता ही है, तो इस हिसाब से हमने लिया था कि हमें सारा दिन तो ज़ाहिर बाहर ही घूमना है, तो क्यों ना सिर्फ इस तरह का एक होटल लिया जाए जिसमें जो कि मेन सिटी में हो, जहाँ पर हमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो आइए चलते हैं पहले जो है रूम का ट्रिप करते हैं। जनाब यहाँ पर हमारा ये रूम है और रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक नॉर्मल एवरेज रूम था जिसमें ये बराबर में अलमारी रखी हुई है, 3 बेड थे और एक छोटा सा किचन था, 2 से 3 लोगों की डाइनिंग टेबल थी और एक छोटा फ्रिज था। अब जनाब मैं तैयार होके नाश्ते के लिए जा रही थी और मुझे ये देखना था कि आज नाश्ते में यहाँ क्या मिलने वाला है। जनाब यहाँ पर नाश्ता 4th फ्लोर पे इन्होंने रखा हुआ था, हम यहाँ पर आए तो ये कुछ इस तरह का बड़ा खूबसूरत सीन था और बड़ा सनी डे था बाहर, मगर ठंड बहुत ज़्यादा थी, मगर हम लोगों ने कहा कि नहीं जी, नाश्ते को इसी सनी डे में इंजॉय करना है। ये आ गया जनाब हमारा खूबसूरत नाश्ता। जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद अब हमने सोचा कि आज कौन सा प्लान बनाया जाए। जी हफ्ते का दिन है और आज के दिन हमने मस्जिद जाना था, जो हम सोच रहे थे कि ब्लू मॉस्क वगैरह जाएंगे, मगर हमारे होटल के जो मैनेजर हैं उन्होंने हमें बताया कि आप लोग आज जो है वो ग्रैंड बाज़ार चले जाएँ, क्योंकि ग्रैंड बाज़ार जो है वो कल बंद होगा यानी संडे को बंद होगा। तो हमने कहा कि क्यों ना हम फिर ग्रैंड बाज़ार ही जाएं, तो इस वक्त हम लोग ग्रैंड बाज़ार जा रहे हैं और उसके साथ वहां देखेंगे किस तरह का है ग्रैंड बाज़ार और फिर कल जो है हम मस्जिद वगैरह जाएंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ चलें और चल के देखते हैं कि ग्रैंड बाज़ार कैसा है। मिनट की वॉक के बाद ग्रैंड बाजार हमारे सामने था। ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे कदीम बाजार माना जाता है। ग्रैंड बाजार 550 साल पुराना बाजार है। यहाँ पर 4,000 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं जो कि कवर्ड एरिया में हैं।
टेंट बाजार अपने ट्रेडिशनल चाय मिठाइयाँ और उसके साथ साथ यहाँ के जो खूबसूरत ट्रेडिशनल लैंप होते हैं उसकी वजह से ये बाजार बहुत मशहूर है। उफ भाई, यहाँ के मसाला जात, यहाँ के ड्राई फ्रूट्स और यहाँ के वो फ्रूट्स जिनको ये खुश कर लेते हैं, अपनी मिसाल आप हैं। जो कि हमारे होटल से सिर्फ 5 मिनट के रास्ते पे है और बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी है। चले आए हैं, थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि कैसा है। तो आज हमने ये किया है कि हमने जो है तकरीबन 100 यूरो का चैलेंज रखा है कि हम 100 यूरो में जो है इस ग्रैंड बाजार में शॉपिंग करेंगे। तो आप लोग जो है वो देखते रहिएगा कि आज हम ग्रैंड बाजार से क्या शॉपिंग करते हैं। और ये मेरे साथ आए, हेलो विंके विंके, ग्रैंड बाजार पाकिस्तान जिंदाबाद इस्तांबुल। तो जनाब, आज हम 100 यूरो की जो शॉपिंग कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा कि आज हम क्या कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी महंगाई है और महंगाई की वजह से देखते हैं कि क्या होता है आज। यहाँ के ये खूबसूरत बर्तन जो कि खास तुर्की ट्रेडिशनल के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आई एम फ्रॉम इस्तांबुल इन ग्रैंड बाजार। दोज आर ऑल होम डेकोरेशन, इस टेबल क्लॉथ, जयनमाज, मुसल्ला, एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर। दिस इज फॉर पाकिस्तान ब्रदर कंट्री शॉप। दिस इज माई शॉप, इस नोमाद आर्ट, थर्जिलर सीक्रेट नंबर 33। माई नेम इज बारान। Baran, okay. Yes. He give me some discount. Yes, and me give, give you a special price for her. Special price for yeah. Thank you so much. Viewers, तो इस वक्त जो है हम इस शॉप से कुशन्स ले रही हूँ मैं अपने घर के लिए, और मुझे रेड कलर में बड़े पसंद आ रहे हैं। यहाँ पर डिस्काउंट करवाना है थोड़ा सा, तो देखते हैं कि कितना डिस्काउंट ये करके देते हैं हमें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कितना डिस्काउंट देते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, वो जो कुशन्स मैं ले रही थी वो कुशन मैं नहीं ले सकी क्योंकि वो प्राइस कम नहीं कर रहा था, 300 लीरा के वो दे रहा था, तो मैंने वो नहीं लिए हैं। आगे और देखते हैं, हो सकता है कि कहीं और मुझे अच्छी प्राइस में मिल जाए। देखते हैं कि अगर कहीं अच्छे कुशन्स का सेट मिल जाता है तो हम उसको फिर बाय करेंगे। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। भाई, यहाँ के ये ज़बरदस्त लैंप, ये बहुत ही अच्छे लैंप होते हैं और मैं चाह रही थी इसको लेना, मगर इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा महंगी थी कि जो चैलेंज मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया था शायद उसमें मैं ये अपना चैलेंज पूरा नहीं कर पाती। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ पर जो है इस वक्त काफ़ी पिक्चर्स वगैरह ली जा रही हैं। ये देखिए पीछे मेरे जो है यहाँ पर पिक्चर, मगर मैं नहीं ये पहन रही हूँ सूट और इसके साथ पिक्चर नहीं ले रही हूँ, मगर मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ कि इस्तांबुल में ये एक बड़ी ही अच्छी अट्रैक्शन है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और आके यहाँ पर इस तरह के अपने जो तुर्किश कल्चर है उसके लिहाज से यहाँ पर तस्वीरें बनवाएं। और यहाँ पर ये लैंप का बड़ी अच्छी कलेक्शन है। देखते हैं, मालूम करते हैं कि यहाँ पर जो है कितने के लैंप मिल रहा है, क्योंकि जब मैं इजिप्ट गई थी तो इजिप्ट के जो लैंप थे वो काफ़ी महंगे थे। तो आइए चलते हैं और इस वक्त इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो है ये कितने तक के। यहाँ पर लैंप भी भाई बड़े ही महंगे हैं, तकरीबन 5,000 का। मैंने एक बाहर मुझे एक लैंप पसंद आया था और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 5,000 लीरा का एक लैंप है, मगर वाकई ये जो लैंप है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मगर वही बात है कि यहाँ पर ज़ाहिर है इनकी कॉस्ट ज़्यादा है। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत से लैंप हैं ये, और इसकी प्राइस मैं पूछती हूँ भी ये कितने का है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कौन सा पसंद आया था। मुझे ये वाला लैंप जो है ये पसंद आया था, मगर इसकी प्राइस जो है वो इन्होंने 5,000 लीरा बताई है। तो भाई इतना तो मैं इतना महंगा नहीं लेता। मैं इस वक्त एक कारपेट की शॉप पे आई हूँ। ये इनका कार्ड है, ठीक है।
और इन्होंने जब इनको जब मालूम हुआ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं जो है यहाँ पर व्लॉग्स बना रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये लोग चाहते हैं कि इस तरह मैं ग्रैंड बाज़ार के इस शॉप का जो है वो आप लोगों से कहूँ कि आप लोग जब भी ग्रैंड बाज़ार आए इस शॉप पे ज़रूर आइएगा, आपको मिलने वाला है डिस्काउंट। तो बड़ी अच्छी शॉप है, यहाँ बड़े अच्छे कारपेट है, मगर वही बात है कि हम लोग ज़ाहिर जब प्लेन से आ रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है, मगर ये है कि बहुत अच्छे डिज़ाइन में कोई अगर यूरोप से आ रहा है बाय कार आ रहा है तो उसके लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि यहाँ के तुर्किश की बड़ी अच्छी क्वालिटी के कारपेट जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको शॉप के बारे में दिखाती हूँ, यानी शॉप का दिखाती हूँ कि शॉप में किस तरह के कारपेट है। तो आइए, यहाँ पर जनाब इनके ये खूबसूरत ट्रेडिशनल कलरफुल जो कप्स थे या बर्तन थे ये बहुत ही खूबसूरत थे और इनकी वैरायटी जो थी यहाँ पर बहुत अच्छी थी। हाँ ये महंगे थे मगर ये था कि बहुत ही खूबसूरत थे। हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये कलरफुल व्लॉग जो है आप लोगों को यकीनन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपने ये व्लॉग्स देखे, क्योंकि इन व्लॉग्स के बाद आने वाला है एक मज़ेदार सा सीरीज़ प्रोग्राम। अच्छा जी, उसके अलावा मैंने एंड में यानी इस व्लॉग के एंड में जो है वो अपनी शॉपिंग भी दिखाई है, तो वो भी आप ज़रूर देखते हुए जाइएगा कि 100 यूरो में मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो आज की शॉपिंग जो कि 100 यूरो में होनी थी वो कुछ ये हुई है। मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर बार्गेनिंग भी हमने काफ़ी करवाई है, मगर क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो बार्गेनिंग नहीं करवाते हैं, जो गोरे आते हैं वो तो भाई जो प्राइस होती है वो उस प्राइस में ख़रीद लेते हैं। तो हम जब बार्गेनिंग करवा रहे थे तो काफ़ी लोगों का यहाँ पर दुकान वालों का मूड ख़राब हो रहा था कि हम क्यों बार्गेनिंग करवा रहे हैं जनाब। तो ये हमने 3 शर्ट्स ली हैं। अच्छा जी, उसके अलावा ये 2 मैंने पजामे लिए हैं, मेरे बेटे के हैं ये पजामे, और उसके साथ जो है ये हम मैंने 2 कोट लिए अपने, और ये शर्ट्स भी मेरे बेटे की हैं। तो इस तरह जनाब ये पूरी जो शॉपिंग हुई है, मुझे नहीं पता कि महंगी हुई है कि सस्ती हुई है, बहरहाल ये हमने आज पूरी 100 यूरो की शॉपिंग ये करी है।